ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत और अब बात करेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर जोधपुर प्रवास पर रहे और राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश बोड़ा के निधन पर श्रद्धांजलि देने आए। न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर ने फर्स्ट इंडिया के साथ पुरानी यादों को ताज़ा किया। उन्होंने बताया कि महेश बोड़ा से कॉलेज के ज़माने से ही घनिष्ठ संबंध रहे हैं। मैं उनसे 6-7 साल जूनियर था, हज़ारों मतभेदों के बावजूद हम हमेशा साथ रहे। मैं जब जज बन गया तब भी दोस्ती के बीच कभी प्रोटोकॉल नहीं आया। मेरे लिए महेश बोड़ा भाई कहो, दोस्त कहो, सब कुछ थे। जस्टिस गोविंद माथुर से ख़ास बातचीत की संवाददाता राजीव कौर ने। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे महेश बोड़ा का हमारे बीच में से यूँ चले जाना किसी को रास नहीं आ रहा, मगर ये सब ऊपर वाले पर निर्भर करता है कि किसके कितने दिन इस धरती पर हैं। सभी लोग आहत हैं जो उनसे जुड़े हैं, और ख़ास तौर पर बात करें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर जी की, तो वो उनके साथ में विद्यार्थी जीवन से, कॉलेज जीवन से और फिर प्रोफेशनल लाइफ में भी जुड़े रहे। तो अपना जो बिल्कुल साथ रहा व्यक्ति जब चला जाता है तो वो जो संवेदनाएं होती हैं शब्दों में विवेचित नहीं होती। फिर भी इस वक्त जस्टिस गोविंद माथुर हमारे साथ उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत आत्मीय संबंध उनसे रहा है, उनके चले जाने से बहुत वेदना, बहुत पीड़ा हुई है। हाँ, मेरा उनसे लगभग 42-43 साल पुराना संबंध रहा है। वो जयपुर में पढ़ा करते थे, मैं जोधपुर में था, इसलिए विद्यार्थी काल में हमारा संपर्क था, मित्रता उस वक्त नहीं थी। लेकिन वो 1981 में जब जोधपुर आ गए, मैं उस वक्त यहाँ विधि का विद्यार्थी था, उस वक्त यहाँ पे वो वकालत के साथ साथ ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ में भी वो भागीदारी कर रहे थे, तब से मेरी उधर उनसे मित्रता रही और अंतिम समय तक रही, हमेशा उनका सम्मान रहेगा। मैं सामान्यतः वकीलों की हड़ताल का घोर विरोधी हूँ। मैंने शायद 1988 की एक स्टाम्प ड्यूटी आंदोलन के अलावा किसी और आंदोलन के अंदर सक्रिय रूप से हिस्सेदारी नहीं की, क्योंकि मैं अदालतों के बहिष्कार का समर्थक नहीं रहा। महेश जी रहे, वो हमेशा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा करते थे और उस बात पर मेरा उनसे मतभेद भी रहता था, लेकिन मेरे को उनके इरादों पर, उनकी नीयत पर कभी डाउट नहीं रहा, बल्कि ये रहा कि उनका भी अपना एक व्यू है और उनको अपने व्यू को हमेशा आगे रखने का अधिकार रहा है। और मेरे संबंधों में हमारे इस विचार भिन्नता को लेकर के कभी किसी तरह से कोई हमारे संबंधों पे किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं था। मेरे लिए वो मेरे दोस्त, बड़े भाई, सहयोगी, साथी, सब कुछ रहे। और मेरे उनसे घनिष्ठता भी ये कहूँ तो ये कि घनिष्ठता भी वहाँ होती है जहाँ पर दो चीज़ें हों, मैं उनके परिवार का सदस्य रहा, वो मेरे परिवार के सदस्य रहे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जैसे न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, उसके बाद भी मित्रता जब आती है तब उसके अलावा स्पष्टवादिता आती है, उनको जस्टिस गोविंद माथुर ने साफ किया और उनका है कि महेश बोड़ा एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिससे हर कोई सीख सकता है, लेकिन सकारात्मक जिस तरीके से सोच उनसे ली जा सकती है उससे कई तरह के विकास भी किए जा सकते हैं। भवन सिंह गहलोत के साथ राजीव कौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।